आप देख रहे हैं डीएनए और हमने कंपैरिजन किया, हमने आपको विश्लेषण दिखाया कि जिस वक्त ऑक्सीजन संकट भारत पर आया था उस समय किस तरीके की रिपोर्टिंग की गई थी विदेशी अखबारों में और पूरे पश्चिम मीडिया में, जैसे भारत में इकलौता यह संकट आया है। बल्कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में था, बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर ऑक्सीजन का संकट अब भी है, लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। अगर आपको लगता है कि वो सिर्फ छोटे देश या फिर विकासशील देश हैं तो अब आपको ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस समय जापान में कोरोना वायरस के केस तेजी से बढ़ रहे हैं और वहां हालात अच्छे नहीं हैं। अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड्स तक नहीं है, वेंटिलेटर भी नहीं है और डॉक्टर्स की भी भारी कमी है। आज हमने जापान से आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है जिसे आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। जिस वक्त जापान दुनिया के सबसे बड़े खेल के आयोजन की तैयारियों में लगने लगा था, उसी वक्त उसको कोरोना वायरस की चौथी लहर ने परेशानी में डाल दिया। जापान के सबसे बड़े शहरों में से एक ओसाका में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से चरमरा गई हैं। अस्पतालों के 96% बेड भरे हुए हैं और इस बार जो मरीज भर्ती हो रहे हैं वो पहले के मुकाबले ज्यादा गंभीर हालत में नजर आते हैं। でまあ、コロナに打ち勝った証ってコロナに打ち勝ってないんでね今はで、まあ、医療側とすれば当然これ感染者数を抑えるということを大事に考えるとやはり人の集まりというのは避けていただきたいというのはもうこれはもう誰もが思うこと。पश्चिमी जापान के इस हिस्से में 90 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। ऐसे में मई के महीने में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी होना एक बड़ा खतरा है, क्योंकि प्रतिदिन 4,000 नए संक्रमित मरीज यहां मिल रहे हैं। जापान में चौथी लहर के पीछे ब्रिटेन के वेरिएंट को वजह बताया जा रहा है। चौथी लहर में संक्रमित मरीजों की संख्या में अचानक हुई बढ़ोतरी की वजह से जापान के अस्पतालों में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर्स की कमी होने लगी है। यही नहीं, मरीजों के लिए दवाइयों की भी कमी होने लगी है। कुछ अस्पतालों में मात्र 14 लोग ही भर्ती हो पा रहे हैं। अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्सों की शिकायत भी यही है कि मरीजों की संख्या के मुकाबले डॉक्टर और नर्सों की संख्या काफी कम है, जिससे काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ICU のスタッフの中にはもう限界ですというようなことを口に出しているスタッフもいますので、そこに関しましては他病棟から ICU のスタッフをサポートするために、まあ、人事異動というか移動を考えないといけないなというふうには思っています。100時間を超えて150時間200時間近くですね残業しているっていう話を聞きますし、まあ、それがもう1年近くそういう状況がずっと続いていると。इन सब के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ अब भी खेलों के इस महाआयोजन को रोकने के मूड में नहीं है, जबकि टोक्यो में मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए हैं।私どもはやはり安心安全最優先の東京大会を準備していくということにを徹底していきたいというふうに思っております。大会への影響というものはないものと思いますし。ないようにしなければいけないというふうに思っております。हालांकि ओलंपिक विलेज में रहने वाले 80% लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इस चीज ने मेडिकल सेवाओं से जुड़े लोगों को थोड़ी राहत दी है। हालांकि वो भी जानते हैं कि चौथी लहर के आने से आने वाले कुछ हफ्तों में स्थिति खराब भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन इन तस्वीरों को आपने कहीं नहीं देखा होगा, किसी अंतर्राष्ट्रीय अखबार में नहीं देखा होगा। तस्वीर अगर किसी की आई तो वो भारत की आई थी। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।